एडवांस्ड फंक्शन स्पोकन ट्यूटोरियल विच तुहाडा स्वागत है। इत्थे मैं तुहानू दिखावांगा कि किवें एक छोटा कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाईए। असीं एक अजिहे फंक्शन दा वर्णन करांगे जो कि तुहानू मुल नू इनपुट करन दी आग्या दिंदा है अते फिर एक गिनती ऑपरेशन दे बाद इस तों वैल्यू मिलदी है। सो असीं फंक्शन बिल्कुल उसे प्रकार बनावांगे जिवें असीं पहलां कीता सी। मैं इसनू कैल्क बोलांगा अते मैं पहलां अपना ब्लॉक बनाउण जा रहा हां। इत्थे अंदर मैं नंबर 1, नंबर 2 अते 1 ऑपरेटर टाइप करांगा। हुण इह एक संख्यात्मक वैल्यू होवेगी। उपयोगकर्ता दे इनपुट उत्ते निर्भर इह पूर्ण गिनती जां दशमलव गिनती होवेगी। इह वी उही होएगा अते इह ऐड, सबस्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जां डिवाइड विचों कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू होवेगी। हुण सानूं चाहीदा है कि असीं फंक्शन दे अंदर अपना कोड बनाउणा शुरू करिए। मैं अंदर एक स्विच स्टेटमेंट बनाउण जा रहा हां। मैं स्विच लिखांगा अते स्विच कंडीशन बल्कि स्विच दा इनपुट ऑप रखूंगा। इस दे लई एक ब्लॉक बनावांगा अते मैं लिखांगा केस इज इक्वल टू प्लस दा चिन्ह, फिर इस नूं अगे वधावांगा। मैं एक नवा टोटल नामक वेरिएबल बनावांगा जो कि नम1 दे समान होवेगा, जो इत्थे इनपुट प्लस नम2 है। मैं इस नूं अध विश्राम नाल ब्रेक लगावांगा। हुण उत्थे स्विच स्टेटमेंट नूं एक फंक्शन दे नाल जोड़ के इह करन दा एक बहुत ही सरल तरीका है। सो तुसीं सारी तरह दीआं वक्खरीआं चीज़ां नूं दूजे स्टेटमेंट्स अते फंक्शन दे अंदर वरतों करन विच समर्थवान होवोगे। अते मैं प्लस लई केस बना लिया है। सो जदों उपयोगकर्ता दे द्वारा दिता गया इह प्लस दे बराबर होवेगा सानू नम1 जोड़ नम2 दे नाल मिलदा है। हुण सानू हेठां जाणा होवेगा अते एक होर केस बनाउणा होवेगा जो कि माइनस है। मैं टोटल इज इक्वल टू नम1 माइनस नम2 टाइप करांगा। असीं हेठां आवांगे। इह यकीनी कर लो कि तुसीं इस नूं ब्रेक कर रहे हो। इस लई एक कोड दी नकल हेठां बनावांगे, मतलब इसकी कॉपी करांगे। असीं इत्थे गुणा लिखांगे अते असीं डिवाइड अते इह सुनिश्चित करो कि तुसीं इत्थे निशान नूं बदल दिओ। हुण जेकर तुसीं नहीं समझ रहे हो कि इत्थे की हो रहा है तां सानूं ईमेल दे जरिए संपर्क करन विच संकोच ना करो। मैं आस करदा हां कि हर संभव भुलेखे नूं हल कीता जाएगा। डिफॉल्ट रूप विच असीं अननोन ऑपरेटर एको करन जा रहे हां। चलो मैं इसनूं वेखदा हां, फिर असीं फंक्शन नूं लिआउणा शुरू करांगे। मेरे कोल कैलकुलेटर जां संखेप विच कैल्क नामक फंक्शन है जो गिनती नूं इनपुट दे रूप विच लैंदा है, फिर एक दूजी गिनती अते फिर एक ऑपरेटर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जां डिवाइड विचों कुछ भी हो सकता है। संभव है कि तुसीं मेरे गणित ऑपरेटर विच देखिया है, माफ करना, मेरे अरिथमैटिक ऑपरेटर ट्यूटोरियल विच देखिया। हुण साडे कोल अंदर एक स्विच स्टेटमेंट है जो कि ऑप दा ध्यान रखता है। जो एंटर किया गया है वही ये लैंदा है। हुण जेकर यह प्लस के बराबर है तो याद रखो यह इसनूं इस स्टेटमेंट विच बदल देवेगा। यह लिखण विच बहुत ही सरल अते काफ़ी समर्थवान है। जेकर यह प्लस के बराबर है तो असीं एक नवा टोटल नामक वेरीएबल बनावांगे। यह पहली गिनती जो एंटर की गई है अते एंटर की गई दूजी गिनती दे नाल जोड़ी गई है उन्हां दा जोड़ दे बराबर होण जा रहा है। इत्थे असीं बोलांगे जेकर यह माइनस होवेगा तद वेरीएबल टोटल। याद रखो वेरीएबल टोटल हर एक केस जां प्लस जां माइनस लई केवल एक बार ही निर्धारित किया जाएगा। सो यह टोटल वेरीएबल नंबर 1 माइनस नंबर 2 होवेगा अते उसी प्रकार मल्टीप्लाई अते डिवाइड लई भी होवेगा। हुण यह बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, इस नूं रिफ्रैश करो। हुण जेकर असीं इस पेज विच आउंदे हाँ तां इत्थे कुछ भी नहीं है क्योंकि असीं सारे फंक्शन नूं नहीं लिआंदा। हुण अपने फंक्शन नूं लिआउण लई जिवें कि तुसीं जाणदे हो असीं केवल कैल्क लिखांगे अते असीं अपनी वैल्यू इत्थे रखांगे। चलो असीं इस नूं दो संख्यावां दिंदे हाँ जिवें कि 10 अते 10 अते एक प्लस, इस तरह 20 हो जाएगा। हुण वेखदे हाँ कि की हुंदा है जदों मैं इस नूं रिफ्रैश करदा हाँ। कुछ नहीं, अजिहा क्यों?
इस दा कारण है कि असी इस नूं एको नहीं कीता, असी इस नूं केवल एक वेरिएबल दी तरह निर्धारित कीता है। सो सानू की करना चाहिए है कि असी कैलक दे आउटपुट नूं एको करांगे। हुण इस समय यह कुछ नहीं करेगा, जेकर असी रिफ्रैश करते हाँ सानू कुछ नहीं मिलिया क्योंकि उत्थे कोई भी रिटर्न आउटपुट नहीं है। सो हर एक केस विच सानू जो लिखना चाहिए है वह है रिटर्न टोटल। यह की करेगा कि जेकर तुसी फंक्शन नू एक वेरिएबल की तरह सोचते हो तो यह फंक्शन के वैल्यू नू टोटल की तरह निर्धारित करता है। जदों तक तुसी रिटर्न लिखते हो जो कुछ भी तुसी इत्थे लिख रहे हो फंक्शन उसके बराबर हो जाएगा। सो असी रिटर्न टोटल लिखन जा रहे हाँ अते असी ओ कॉपी करन जा रहे हाँ अते इत्थे हेठां हर एक केस लई पेस्ट करांगे। अच्छा हुण सानू अननोन ऑपरेटर लई इह करन दी लोड़ नहीं है, अजिहा इस लई क्योंकि इत्थे कोई ऑपरेटर नहीं पाया गया है अते असी इस नू रिफ्रैश कर सकते हाँ। साडे कोल हुण कुछ भी नहीं है, अंदाजा लगाओ क्यों? इस दा काम नहीं करन दा कारण इह है क्योंकि मैं इस नू फंक्शन दे अंदर ही एको कीता है, यह गलती है। तुसी वेख सकते हो फंक्शन दा ब्रैकेट इत्थे शुरू हो रहा है अते इत्थे अंत। मैं इस नू इत्थे हेठां रखांगा जिथे इस नू होना चाहिदा है अते फिर इस नू रिफ्रैश करो, यह भी है ठीक है। सो साडे फंक्शन दे जरिए असी वेख सकते हाँ कि 10 प्लस 10 20 है। सो चलो कोई होर वैल्यू लेंदे हाँ, मन लो कि 13 अते 7 अते डिवाइड, चलो वेखदे हाँ कि की हुंदा है। अच्छा सानू काफी लंबी दशमलव गिनती मिली। सो तुसी वेख सकते हो कि असी यह काफी अच्छा फंक्शन बनाया है, सानू साडी पहली गिनती दूजी गिनती अते एक ऑपरेटर मिलता है अते स्विच दे जरिए यह पता लगता है कि केड़ा है अते उस उत्ते उपयुक्त ऑपरेशन की करता है। एक अननोन ऑपरेटर एरर मिलेगी जेकर यह निर्धारित नहीं किया जा सकिया। इसलिए उदाहरण दे लई चलो ए लेंदे हाँ जो कि एक वैलिड ऑपरेटर नहीं है। जिवें ही असी रिफ्रैश करते हाँ यह अननोन ऑपरेटर हो रहा है। इस दे नाल एडवांस्ड फंक्शन उत्ते ट्यूटोरियल का अंत हुंदा है। असी वेख्या कि असी एक वैल्यू इनपुट कर सकते हाँ अते फिर रिटर्न कमांड की मदद नाल सानू एक वैल्यू वापस मिलती है। मैं हरमीत संधू IIT बॉम्बे तो हुण तुहाडे तों विदा लैंदा हाँ, सत श्री अकाल।